गुड मॉर्निंग। जीपीसी अलवर से मैं ज्योति। आज हम सीई 203 का रूफ ट्रसेस की एक पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर है हमारा डेफिनेशन ऑफ द रूफ कंपोनेंट्स। ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये रूफ का डायग्राम दिख रहा है। तो इसके अंदर जो ये दोनों हैं, ये सपोर्ट्स होंगे, ये वॉल्स भी हो सकती हैं आपकी। तो जो भी आपके सपोर्ट हैं, उससे सेंटर से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपके स्पैन कहलाती है। सपोर्ट्स के ऊपर यहां पर आप प्लेट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर आपका जो ऊपर प्रिंसिपल राफ्टर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो इनको हम वॉल प्लेट्स बोलते हैं। वॉल प्लेट्स के बाद में ये जो आपका इंक्लाइन मेंबर होता है, ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर कहलाता है। प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर पर्लिंस लगी हुई होती हैं और पर्लिंस को टिल्टिंग से रोकने के लिए क्लिट एंगल्स यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। पर्लिंस के ऊपर हम कॉमन राफ्टर्स प्रोवाइड करते हैं और कॉमन राफ्टर्स के ऊपर वुडन बैटन्स प्रोवाइड की जाती है, जिसके ऊपर हम रूफिंग मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा रूफ का ये डायग्राम है, इसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये हमारा रिज पॉइंट होता है। और यहाँ पर रिज पर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर प्रोवाइड किया जाता है, उसे रिज बोर्ड कहते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर जो रूफिंग मटेरियल्स होते हैं हमारे, वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। एसी शीट्स हो सकती है, टाइल्स हो सकती है, एस्बेस्टोक शीट्स हो सकती है, सो मैनी मटेरियल जो भी वहां पर हमारे पास अवेलेबल होता है। इसके अंदर जो पिच होता है और एक आपका होता है स्लोप, तो ये जो यहां से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है, ये स्पैन होती है आपकी, और यहां हाईएस्ट पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, ये हमारी होती है राइज। तो पिच जो होता है हमारा, वो होता है रेशियो ऑफ राइज डिवाइडेड बाय स्पैन। और जो स्लोप होती है, हम इसे टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टेन थीटा जो होगा आपका, ये एंगल होगा तो ये आपका स्पैन हाफ हो जाएगी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा राइज डिवाइडेड बाय स्पैन अपॉन टू। थैंक यू।